हाँ जी बाबा। हाँ जी, जो ये हरिश्चंद्र का बताया अभी अभी मुरली में कि ये चंडाल बन पड़ता, उन्होंने क्या वापस ले लिया था जिससे चंडाल बन पड़े थे? उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ ले लो, सब कुछ गुरु जी का है। फिर गुरु ने कहा जब सब कुछ हमारा है तो दक्षिणा और दे दो। तो कहा कि लाओ चाबी, गुमास्तों से कहा लाओ चाबी। खजाना खोल करके जो चाहे सो इनको दान दे दो दक्षिणा में। तो इसका मतलब क्या हुआ है? भूल गए ना कि हमने सब कुछ दे दिया है। तुरंत ही दिया और तुरंत ही भूल गए। यहां भी ऐसे होते हैं, दान करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने दिया था। हाँ बाबा, राजा हरिश्चंद्र वो तो बहुत बड़ा दानी था, तो उनको चंडाल का पाठ क्यों बजाना पड़ा? एक ही जन्म होता है क्या है? एक ही जन्म के स्वभाव संस्कार चलते हैं या पूर्वजन्म के स्वभाव संस्कारों का भी असर पड़ता रहता है? पूर्वजन्मों का भी उसका असर पड़ता है, तो बुद्धि ऐसी बन जाती है। और लोहड़ी और मकर संक्रांति की डेट नहीं बदलती है? लोहड़ी और मकर संक्रांति की कभी डेट नहीं बदलती। हाँ, लोहड़ी हमेशा 13 तारीख को ही आती है और अगले दिन मकर संक्रांति होती है। ऐसा क्यों? मतलब उसी डेट पे आती है, कभी कभी डेट नहीं चेंज होती। दुनिया के लिए सारी दुनिया की नजर में आखिरी न कोई न कोई एक तो सबसे जास्ती मक्कार होगा। हुआ या नहीं होगा? है? होगा तो यादगार में मकर संक्रांति है, मकर शंकर की अंति हो जाती है, सारी दुनिया को चैन मिल जाता है। तो वो एक ही टाइम पर होगा सारी दुनिया के लिए या अलग अलग होगा? एक ही टाइम पर होता है। और बाबा अमृत वेला 4:45 बजे तक रहता है सुबह। हाँ, तो अब सर्दी है बाबा, सभी बच्चे बैठे हैं, एक घंटा लेट ना कर लिया जाए। सर्दी में क्या नंगे होके घूमते क्या है? रजाई में नहीं रहते क्या? ऑर्डिनेंस तो पास हो सकता है, नया ऑर्डिनेंस पास हो सकता है बाबा भी बैठा रहते। ये कोई बात नहीं होती है। और दूसरे काम करते कि नहीं करते? और ये कोई जरूरी नहीं कि अमृत वेला ही हमेशा सर्दी ज्यादा होती हो। सर्दी तो दिन में भी कभी ज्यादा हो जाती है, गर्मियों के दिनों में ज्यादा बरसात हो गई, लगातार मूसलाधार पानी गिरा और सर्दी बढ़ जाती है। ये सर्दी गर्मी बरसात ये तो बहाना हो जाता है। आदमी को जब लगन होती है ना, लगाव होता है, तो सर्दी गर्मी बरसात देखता है।
इसमें भी अगर अटैचमेंट हो जाए, लगाव हो जाए, इतना ज्ञान पैदा हो जाए कि ईश्वर से क्या प्राप्ति होती है। बाबा जैसे स्कूलों का टाइम भी बदलता है, टाइम भी बदलता है, गवर्नमेंट के जो दफ्तर है जैसे उनका टाइम बदलता है, स्कूलों का टाइम बदलता है, तो ऐसे ही सब जगह काय का बदल, माने सूरज के निकलने का टाइम बदल जाना चाहिए। है एक घंटे का टाइम का उसका भी फर्क पड़ जाता है सूर्य के निकलने। हाँ तो जो अमृत वेले का भी फर्क पड़ जाता है, पड़ गया ना। गर्मियों में सूरज जल्दी निकल आता है, सर्दियों देर से निकलता है, तो फर्क पड़ गया ना। और मकार क्यों उतारा है? अरे बोला ना मकार शंकर की। हाँ तो संकल्प मकार क्यों उतारा है? दुनिया में सबसे अच्छा कौन बनता है? है? जो सबसे बुरा बनेगा वो सबसे अच्छा भी बनेगा। सबसे बुरा बनता है तो बड़े आदमी का बच्चा बुरा बनेगा या छोटे आदमी का बच्चा बुरा संघ के रंग में आके ज्यादा बुरा बनेगा? तो सबसे बड़े से बड़े आदमी का बच्चा कौन है? शिव शंकर। बाप और बच्चे का नाम इकट्ठा है, तो वो जब कुसंग में आता है, ऐसे तो 500 करोड़ की दुनिया कुसंग में आती है, वो 500 करोड़ उतने बड़े मक्कार नहीं बनते हैं जितना बड़ा मक्कार शंकर बनता है। और बाबा एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हैं तो आज का मराठा संगठन बन जाते हैं। एक पावरफुल ग्रुप तो अष्टदेव का ग्रुप है, है? तो अष्टदेव खींचते हैं तो मन को ना बाप खींचते हैं। एक भी पावरफुल ग्रुप बनने पर एक दूसरे को खींचते हुए, माला का संगठन बन जाएगा। संगठन माना यूनिटी, पूरी माला तैयार हो जाएगी। तो एक संगठन तो जरूर पावरफुल बनेगा, और वो ही पावरफुल बनेगा जिसने 63 जन्म अच्छे कार्य किए होंगे। उसे आखिरी जन्म में भी ईश्वरीय मदद मिलती है, वो आत्मा है। इस आखिरी जन्म में दुनियादारी से मुक्त अनुभव करेगी ताकि ज्यादा ईश्वरीय सेवा कर सके। उनको जास्ती बंधन नहीं होगा, और थोड़ा बहुत तो बंधन होगा भी तो उसकी वो परवाह नहीं करेंगे। उनका एक ही लक्ष्य है, सूर्य का बच्चा बनना। बाप का बच्चा होगा, असल बच्चा होगा, असल खून के बाप का खून होगा तो किसको मदद करेगा? बाप को ही मदद करेगा। कथा आती है कंस की, कंस अपने बाप का असल बच्चा था कि दूसरे बाप का खून था? दूसरे बाप का खून था तो बाप का मददगार नहीं बना। यहां भी बाप सदैव आत्मा है, देहभान नाम निशान को नहीं है। तो ऐसे आत्म बाप के जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, उनका खून ही स्वाभिमानी है। देह अभिमानियों का खून इनके अंदर नहीं होता है, ये संकल्पों का खून है, स्थूल खून की बात नहीं है।
जो बाप ने सोचा, जो बाप ने बोला, जो बाप ने डायरेक्शन दिया, फरमान किया, उसी को फॉलो करेंगे। दूसरों का सुनाया हुआ नहीं सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो बाप का संगठन मजबूत बनेगा। सूर्यवंशियों का संगठन, सूर्य का संगठन मजबूत बनेगा। तो सूर्य से रोशनी लेने वाले और भी ग्रह उपग्रह हैं, सब एक जैसे तो नहीं है। वो फिर नंबर बार आकर्षित होते हैं। तो धीरे धीरे माला तैयार हो ही जाएगी। बाबा, जब शक्ति त्रेता में देह का कोई भान नहीं है और रातों राज्य किस पर, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, राज्य किस पर होगा, क्या चीज कंट्रोल करने की जरूरत है? एक परिवार होता है, दैवी परिवार, आदि सनातनी परिवार, जो कहीं कहीं अब भी देखने में आते हैं, एक एक चूल्हे पर 60-70 लोगों का खाना बनता है। एक मुखिया है पूरे परिवार को चलाने वाला। उसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, होते हैं या नहीं? वो छोटे बच्चे अपन को दास दासी समझते हैं या जितने भी बड़े होते हैं उनके डायरेक्शन पर चलते हैं या नहीं चलते हैं? भावना होती है उनमें छोटे बड़े की। ये भावना है कि हमें तो इनका डायरेक्शन मानना ही मानना है, पूर्व जन्म से हमारा निर्धारित है। ये निर्धारण ड्रामा प्लान अनुसार हमको मिला हुआ है। तो क्या वो राज्य नहीं है परिवार? परिवार में राजा नहीं है? हैं? परिवार में जैसे वहां राजा है, वैसे ही पूरे राज्य का संचालन भी ऐसे ही होता है। जहां यथा राजा तथा प्रजा की भावना होती है। परिवार का छोटा बच्चा भी अगर दुखी होगा तो परिवार का मुखिया जानमारी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। आज के आखिरी जन्म का जो राजकाज चल रहा है उसमें राजाएं ये मिनिस्टर और कलेक्टर ऐसे नहीं होते हैं, ये उल्टे होते हैं। प्रजा का पोषण अपने बच्चों की तरह नहीं करते हैं, वो दुनिया ही निराली है, भगवान की बनाई हुई दुनिया है। और ऐसे भी नहीं कि वहां देवभान होता नहीं है। देवभान तो होता है, लेकिन जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, कम ज्यादा तो हो सकता है ना। एक पलड़ा नीचे जाता है, एक पलड़ा ऊपर उठ जाता है। तो सात्विकता का पलड़ा भारी रहता है,
जो देह भान है वह सात्विक स्टेज में होता है, दुखदायी स्टेज में नहीं होता है। ज्ञानेंद्रियों का सुख होता है, जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनका सुख नहीं होता है, उसकी जानकारी ही नहीं होती है। इसलिए गिरना तीव्र गति से नहीं होता, बहुत धीमी गति से गिरते हैं देहभान में, और लंबे समय का सुख होता है। आज के मनुष्यों का इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर रह गया, और देवताएं जो इंद्रियों का सुख भोगते हैं वो सुख भोगते भोगते उनको सोने की फुर्सत होती है, सोते हैं, सोते भी नहीं, इतना सुख भोगते हैं। बाबा है मुरली ने बोला है कि जैसे आसमान पर 9 लाख से सारे होते हैं ना, वैसे ही धरती पर भी 9 लाख से सारे होंगे। है तो बच्चे तो सारे लाख होंगे, तो उनमें एक एक तो प्रवेश होगा, तब 9 लाख बनेंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये 9 लाख। अभी भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो पता नहीं चलता कि ये जो स्वभाव संस्कार दिखा रहा है, ये स्वभाव संस्कार इसमें पहले तो नहीं था, ये तो अचानक इसके अंदर ये प्रवेशता हो गई, तो पता चलेगा। बाबा जैसे बाहर की दुनिया में जो गुरु या जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार करवाते हैं कि किसी को देवी देवताओं के साक्षात्कार करा दिए या किसी को कुछ करा दिए, तो उसकी ड्रामा में शूटिंग कैसे, यहाँ शूटिंग कैसे होती है? यहाँ साक्षात्कार बुद्धि का नहीं होता है, बाबा जो दिखाया है आजकल वो चल रहा है ना श्री रानी लक्ष्मीबाई का, इसमें एक रथ बनाया है उसने गुरु के कहने में, एक जो उनका गुरु होता है, दो गुरु होते हैं कांटे टोपी, एक दूसरा गुरु होता है जो अंधा होता है सुनता है सिर्फ शब्दवाणी, तो वो जो रथ बनाते हैं वो ऐसा रथ है कि दोनों तरफ कांटे होते हैं और दो घोड़े और ऊपर एक पता नहीं चैन की वो बनाते हैं, तो घुमाते तो तेज चलता है और जैसे वो चलता है तो काटती चल जाती है, इसमें ज्ञान में क्या है इसमें क्या क्या उसको मारते चले जाते हैं, मतलब ऐसे घुमाते हैं जैसे उनका गुरु कहता है कि आप 3 बार घुमाओगे तो जैसे नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा, बाकी सैनिक उनको लड़ती चली जाती है तो मारते चले जाते हैं, कांटे टोपी को छुड़ाने के लिए जाती है जो वो गाड़ी में शुरू, इसमें ज्ञान भी कहते हैं इतिहास से है नहीं, ऐसा रथ बनाता मतलब गुरु ने वो 2 किलो वाले बनाते हैं, 2 किलो वाले तोपनी नहीं तोपनी रथ बनाता है, भाले लगे होते हैं उसके, 2 पहियों में भाले होते हैं और ये इतिहास है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना जब द्वापर की शुरुआत थी तब सात्विक रूप में शास्त्र तैयार किए, अब कलयुग का अंत है तो जो लिटरेचर तैयार करते हैं वो तमो प्रधान लिटरेचर है या सतो प्रधान है, और ही तमो प्रधान होता जा रहा है, जिसको जो मन में आया सो बनाते चलो, कहां तक बैठ करके एक एक की कहानी कथा कहानी उठाएंगे। हाँ शास्त्रों में जो बातें आई हैं, देवासुर संग्राम में आई हैं, रामायण में आई हैं, महाभारत में आई हैं, भागवत में आई हैं, वो बातें वर्तमान संगम युग की हैं, उनको टैली करना है। और जो सीरियल दिखाते हैं टीवी में
उसमें नमक मिर्च मिलाते हैं कि नहीं, तो ताकि देखने वालों को अच्छा लगे, वो अगले दिन देखने के लिए जम के बैठे हैं। तो कुछ भी बनाते हैं, कोई कोई नमक है। और बाबा मुरली में बोला है सारे ज्योतिष शास्त्र यहीं से निकले हुए हैं ज्ञान, ठीक है, दिन यहीं से होती है, कैसे बाबा? अरे ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये नक्षत्र नहीं है, इनके आधार पर सारी सृष्टि नहीं चलती है। चैतन्य पृथ्वी है या नहीं है, चैतन्य धरणी माता है, चैतन्य चंद्रमा है, चैतन्य सूर्य है, चैतन्य वृक्षपति बृहस्पति है, सारे ही सितारे तो चैतन्य है। तो इनके आधार पर ही तो सारा ड्रामा चलता है। हाँ, सिर्फ अंतर ये हो गया कि उन्होंने सिर्फ जड़ समझ लिया है और हमारी समझ में अब आ गया है, बाप ने हमें बता दिया है कि वो तो जड़ सितारे हैं, उनकी एक्ट बाद में होती है, असली एक्ट तो हमारे द्वारा शुरू होती है। परिवर्तन चैतन्य के द्वारा होता है या जड़ के द्वारा होता है? जड़ से भी परिवर्तन होता है, लेकिन जड़त्व को परिवर्तन करने वाला कौन? चैतन्य। बाबा कभी कलकत्ता में होते हैं, कभी जम्मू में, तो बाबा को योग लगाने के लिए क्या मुख सुधर होना चाहिए जैसे बाबा? है? है? क्या बाबा याद करने के लिए मुख किधर होना चाहिए? मुख किधर होना चाहिए? मुसलमान लोग तो कहते हैं मुख काबा की हो तो और होना चाहिए, क्योंकि उनका काबा पश्चिम में है, तो काबा की ओर मुंह होना चाहिए। अब ये मुसलमानों का ज्ञान तो नहीं है, हम तो कहीं भी याद कर सकते हैं, है? वो गुरु नानक से मुसलमान नाराज हो गए और कहा ये तुम काबा की तरफ पांव रख के क्यों बैठे हो, क्यों पड़े हुए हो? उन्होंने कहा जिधर काबा ना हो उधर कर दो, तो उधर घुमाया तो उधर ही काबा हो गया, जिधर घुमाया उधर ही काबा। ये तो मन के संकल्पों के आधार पर है, भावना के ऊपर है। अगर हम कहें कि परमधाम में आत्मा और परमात्मा ऊपर रहते हैं, अब पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर परमधाम है, तो ऊपर नीचे किधर है? कहीं है ऊपर नीचे तो नहीं हुआ? परे के परी की स्टेज हो गई। और हाँ, ये जरूर है कि मां बच्चे को याद करती है, तो बच्चे के चरित्र जहां मां के साथ हुए हैं वो स्थान मां को याद आता है बच्चे के साथ साथ। तो ऐसे बाप के चरित्र भी जहां होते हैं वो स्थान भी बाप के साथ जुड़ा हुआ है, वो याद आता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी
भगवान को नॉर्थ इंडिया में दिखाया है या साउथ इंडिया में दिखाया है? नॉर्थ इंडिया में दिखाया है। चाहे वो शंकर भगवान है तो भी काशी नगरी नॉर्थ इंडिया, कृष्ण भगवान है तो भी वो मथुरा, राम भगवान है तो भी अयोध्या। अब वो तीनों हैं तो एक ही भगवान, लेकिन बुद्धि में भिन्नता होने के कारण ये ऐसा अलग अलग हो गया। वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, वो ही शंकर है, वो ही शिव है। रूप तो प्रैक्टिकल में एक ही है, लेकिन जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, जन्म जन्मांतर जिसको फॉलो करते रहे हैं, नमन करते रहे हैं, पूजन करते रहे हैं, भावना जिसके प्रति बनी रही है, बस उसी को भगवान समझते हैं। पर भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक ही शरीर में प्रत्यक्ष होगा तो भी जो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं वो कृष्ण के रूप में ही भगवान मानेंगे, राम के फॉलोअर्स राम के रूप में ही मानेंगे, ब्रह्म समाजी ब्रह्मा को ही भगवान मानेंगे। जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्राइस्ट की तरफ ही मुड़ेंगे बल भगवान आ जावे। अठारह के बाद पहला पार्ट है बाप, फिर है टीचर, फिर सबसे सख्त पार्ट कौन सा है? सदगुरु। तो जब सदगुरु का पार्ट शुरू हो तो समझ लो धर्मराज का भी पार्ट शुरू हो जाएगा। अब धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोल। धर्म की धारणाएं ब्रह्मा की आत्मा ही ज्यादा धारण करती है, और वाणी भी कौन सी सुनाती है? धारणा की वाणी सुनाती है। तो जिस ब्रह्मा ने धारणा के आधार पर सबसे जास्ती इस दुनिया में सहनशीलता का पार्ट बजाया है, वो आत्मा सहन कराने का भी तो पार्ट सबसे ज्यादा बजाएगी या नहीं बजाएगी? कब बजाएगी? संगम पर। नहीं, संगम पर तो, लेकिन संगम में भी कब? जब वो संपूर्ण बनेगी तो। हाँ, जब संपूर्ण स्टेज आएगी तो फिर वो नंबर वार पार्ट बजाएगी, चुन चुन के पार्ट बजाएगी। एक एक के लिए दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और बाबा, हाँ जी, मत्ती मार्ग में तो देव रंग को बुरा मानते हैं ना और लाल रंग को अच्छा, तो यहाँ ज्ञान मार्ग में तो हम सब तो ज्ञान मार्ग में अभी ब्रह्मा कुमारियों के सफेद रंग को तुम अच्छा मानती हो बुरा मानती हो? हैं? वो हर समय सफेद रंग की साड़ियां पहनते हैं, सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, जबकि मुरली में ऐसा कोई कंपल्सन तो नहीं दिया है, तो तुम उनको अच्छा मानती हो बुरा मानती है? वो साध्वी हैं, विधवा हैं या सधवा हैं, आप उनको क्या समझते हैं? अरे आप उनको विधवा समझते हैं कि सधवा समझते हैं? विधवा।
विधवा समझते, इसीलिए सफेद रंग भक्ति मार्ग में भी विधवाओं को पहना देते। ब्रह्मा का भी सफेद वस्त्र दिखाते और विष्णु को रंगीन ही रंगीन, और शंकर जी को तो वस्त्रों की दरकार ही नहीं। क्या आपको सिर्फ क्लास के टाइम पर सफेद वस्त्र, बाबा ने आपकी वर्दी बताई है, ये रूहानी मिलिट्री की वर्दी है। जब पीटी शुरू होती है तो उस समय अपनी वर्दी में वर्जिश करनी चाहिए। तो हमेशा के लिए थोड़ा ही बताया। और जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो लाइन लगना शुरू नहीं होगी। अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, चारों तरफ आ गया आ गया, हमारा आ गया। जो सुनेगा जो देखेगा उसकी अंदर से आवाज निकलेगी कि हमारा बाप आ गया। तो आ गया तो कहीं स्थान निश्चित होगा कि नहीं होगा कि बिना स्थान के हो जाएगा? तो जो स्थान निश्चित होगा वहां लाइन भी लगेगी। हाँ बाबा, उसकी बातों के लोग अंदर आने के लिए उतारू हो जाएंगे ना? है माउंट आबू में जब ऐसी बात होती है तो बाहर के लोग आने के लिए उतारू होंगे। हाँ 18 के बाद अभी नहीं उतारू। हाँ मतलब अभी 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 प्रत्यक्षता गुप्त है तो भी उतारू है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी तो फिर रख रखाव बढ़ जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? बढ़ जाएगा। यादगार में तिरुपति के मंदिर में जो बड़े बड़े मंदिर है उन मंदिरों में जाके देखो, जो दर्शन करने वाले हैं उनकी कितनी लंबी लंबी क्यू लगती है और सोटे मारते रहते हैं, चलो आगे चलो आगे चलो आगे। बाबा साकार वाणी माने बाप की वाणी और अव्यक्त वाणी माने माँ की वाणी। तो ब्रह्मा की आत्मा जब अव्यक्त वाणी बोलती है बीजाधारी के अंदर प्रवेश करके, तो डिब्बा पॉइंट को सप्लाई देते हैं ना, ब्रह्मा की आत्मा खुद ही बोलते है। जैसे कि अव्यक्त तो बाप दादा बोलते हैं ना, कहे जाते हैं, कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, इसलिए कहते हैं कि मुरली में बोला है तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोला या नहीं बोला? बोला। तो याद करने वालों में ब्रह्मा की सोल भी तीखी है या नहीं है? वो भी याद करती है और तीखे रूप में याद करती है गुलजार दादी में प्रवेश करके। तो उनके साथ है या नहीं है? बाकी प्रैक्टिकल में मुरली में ये बोला, मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। तो जब आता ही नहीं है तो प्रवेशता की तो बात खत्म हो जाती है। और गुलजार दादी का तन तो पवित्र तन है, बचपन से ही यज्ञ में पली है, आश्रम के वातावरण में पली है, उसमें तो ब्रह्मा बाबा का भी हाथ नहीं पड़ पाता था, भाग जाती थी। तो वो तो शुद्ध कन्या है, उस कन्या के तन में शिव कैसे प्रवेश करेगा? आ?
बाबा आज जो मैं कमेटी की बात आई है तो सारी बॉडी मुंबई में कमेटी गठित की गई तो चाहे वर्ल्ड रिजनल ट्रस्ट ने जो स्टैम गठित किया था उसके बारे में बताया बाबा क्या वर्ल्ड रिजनल ट्रस्ट ने हाँ वो भी तो कमेटी बनाई ना उसके बारे में बताया ना बाबा हाँ ये कमेटी की बात क्यों बता रहे हैं बाबा की बुद्धि में आई ना ये कमेटियां बहुत कर रहे हैं आजकल हाँ उसको मुखिया बनाना चाहिए वो बन गए खुद मुखिया है पहले स्वर्ग से पहले जब स्वर्ग में चले जाएंगे तो सजा की बात कहाँ रह गई स्वर्ग में जाने के बाद फिर थोड़ी सजा होती है सजा काफी स्वर्ग में है नंबर वार पद पाएंगे सजा ही तो साबित करेगी कि किसका उच्च पद है किसका नीच पद है जितनी ज्यादा सजा खाएंगे उतना पद नीचे गिरता जाएगा बाबा कहा है कि राम ने एक चांडाल के कथन पर सीता जी को जंगल भेज दिया धोबी के कथन पर है यहाँ कैसे क्या हुआ बाबा यज्ञ में क्या हुआ कैसे हुआ शूटिंग कैसे हुई यहाँ कपड़ा क्या है है शरीर रूपी वस्त्र है और धोबी का काम नीच काम है या ऊंच काम है है नीच काम है तो धोबी जो नीच काम करने वाला है वो भी परिवार में संतुष्ट होना चाहिए कोई भी अपवाद ना उठे ऐसा रामराजी चाहिए एक व्यक्ति भी विरोधी हुआ परिवार में इसका मतलब मकान की एक ईंट खिसक गई या नहीं खिसक गई किला कमजोर हुआ या मजबूत कमजोर हो गया तो उसे रामराजी नहीं कहेंगे इसलिए उस अपवाद को भी खत्म करने के लिए उन्होंने अपने को दुख दे लिया सीता को वनवास दे दिया यज्ञ में वो सीता कौन है इनको वनवास सीता भी वनवास में है नहीं है सीता राज परिवार में है या कांटों के बीच में है कांटों के बीच में है हाँ
बाबा बाबा कहते हैं कि सबको राजा बना के बाबा ने भेजा, सबको राजा जो राज्य करते हैं, जो बाद में जिनको राजा बनना है और जो वहाँ पे इतने भ्रष्टाचारी और दूसरों को दुख देने वाले राजा हुए वहाँ बता, यही इसी दुनिया की बात है यही पे तो बाबा जब अब तो सब ज्यादा प्रजातंत्र है जब वो नास्तिक धर्म शुरू हुआ था उससे पहले राजाएं हुए थे बहुत अत्याचारी राजा हुए थे जिनको फिर प्रजा ने उनको उभार फेंका था तो ऐसे राजा इतने अत्याचारी कैसे बने बाबा? अरे जब तामसी स्टेज बढ़ेगी तो अत्याचारी नहीं होंगे। यज्ञ में यहाँ कैसे हुआ? यज्ञ में भी शूटिंग होती है वैसे ही, जैसे बाहर की दुनिया में ड्रामा होता है उस ड्रामा की शूटिंग भी तो वैसे ही होगी। ड्रामा चार अवस्थाओं से गुजरता है, सतो प्रधान सतयुग, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग, तो शूटिंग नहीं ऐसी होगी, शूटिंग में भी ऐसा ही हो। जैसी रिहर्सल होगी वैसा ही ड्रामा होगा कि कुछ दूसरा हो जाए, वैसा ही होगा। बाबा ने उन्हें राजा ही दे दी। किन्हें राजा ही दे दी? वो तमोबल जो अत्याचारी राजा थे बाबा, उनको राजा ही, वो आखिरी जन्म की राजा ही दे दी या सतयुग के 150 वर्ष की राजा ही दे दी? आज ही तो मुरली में आया, आज के प्राइम मिनिस्टर 2-4 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हो सकता है बीच में भी उतार दिए जाए या जिंदगी भर के लिए बनते हैं। उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां राजा बनती थी। नहीं, ओ, उस राजाई में जो ईश्वर देता है और इस राजाई में जो मनुष्यों के द्वारा स्थापन हुई हिंसक राजाई, तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। बाबा ये सतयुग तो हमारी मानसिक स्टेज है ना? कैसी तुम्हारी सतयुग की मानसिक स्टेज है? नहीं, जो जैसे सतयुग में बुद्धि सभी सत्य बोलते थे। मानसिक मन किसे कहते हैं? मन माने आत्मा, आत्मा बस खत्म हो गई बात। जब मन सतो प्रधान है तो सतयुग है, स्वर्ग है। मन तमो प्रधान है तो कलयुग है। मन माने आत्मा, तो ये भी होगा जी बाबा? होगा, अरे है अभी। मन तमो प्रधान है, गंदे संकल्प चलाता है, दुष्ट संकल्प करता है, तो कलयुग है या सतयुग है? कलयुग है। मन में एक भी संकल्प मात्र दुख देने या दुख लेने का नहीं चलना चाहिए तो सतयुग है। मन माने आत्मा, मन रे आत्मा। बाबा ने कहा है कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व भारत में स्वर्ग था, तो उसके अनुसार तो यही टाइम है। हाँ? तो सतयुग और त्रेता का जो समय है क्या वो स्वर्ग नहीं कहा जाएगा? हाँ? स्वर्ग क्यों कहा जाएगा? संगम युग से स्वर्ग होता है या सतयुग में ही स्वर्ग होता है? केवल संगम। अरे सतयुग का जो स्वर्ग होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा या संगम में जो स्वर्ग होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा? संगम की ज्यादा महिमा है या सतयुग की ज्यादा महिमा है? क्यों महिमा है? नहीं, बाबा तो है। हाँ, क्योंकि यहाँ चरती कला का यहाँ हम अनुभव करते हैं। अभी तो चरती कला भी है तो उतरती कला भी है, अभी थोड़े ही सुख है लगातार।
और बाबा भारत भारत के आजादी में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने पूरा शेर हो दिया था तो उनकी छुट्टी नहीं पड़ती सरकारी छुट्टी और क्या करें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने पूरा सहयोग दिया था आजादी के अंदर भारत की तो उनकी सरकारी छुट्टी नहीं पड़ती उनकी छुट्टी नहीं पड़ती सरकारी अंदर छुट्टी होती है सरकारी सरकार छुट्टी नहीं उनकी छुट्टी नहीं देती नेहरू भी देती है नेहरू भी देती है बापू गांधी देती है हाँ क्रांतिकारी कानून किसने अपने हाथ में उठाया भगत सिंह ने अब कायदा कानून अपने हाथ में लिया या नहीं लिया है कायदा कानून अपने हाथ में लेना अच्छी बात है कोई भी काम करना है तरीके से करना है आजादी के लिए तो किया है आजादी के लिए तो किया आजादी के लिए तो किया वही काम कायदे कानून से करना और वही काम बेकायदे होकर के करना उसमें फर्क पड़ जाता है वही राजाई द्वापर कलयुग में भी चलती है और राजाई सतयुग त्रेता में भी चलती है अंतर क्या है कायदे कानून में अंतर है सतयुग में जो राजाई चली है वो ईश्वरीय है नियमों पर चली है ईश्वरीय कायदे कानून से चली द्वापर कलयुग में जो राजाई चली है वो मनुष्यों के कायदे कानून से चली मनुष्यों का कायदा कानून है अहिंसक भगवान का कायदा कानून है अहिंसक वो हिंसक कायदा कानून मुसलमानों और अंग्रेजों से शुरू हुआ ईश्वरीय कायदा कहता है कि हिंसा के आधार पर कोई विश्व का बादशाह नहीं बन सकता और मनुष्यों के कायदे कहते हैं कि हिंसा के आधार पर ही हम विश्व की बादशाही लेंगे और कोशिश भी की बहुत फिर ले पाए नहीं ले पाए बाबा एक मुरली ने बाबा ने कहा कि बाप का असली बच्चा वही है जो बाप का दूधा वो बच्चे का दूधा मतलब जो भी मिले उसको ये मैसेज दो कि भगवान से रिश्ते पर आया हुआ तो उसको उसके साथ एक संक्षिप्त परिचय की किताब देकर ये दो लाइनें बताकर ये सर्विस में आ जाएगा ना कि आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा ठीक है संदेश तो तीन चार बातों का ही हो जाता है सर्विस तो नहीं हो जाएगी नहीं संदेश जो है वो तो शॉर्ट में दिया जाता है भाई भगवान आया हुआ है भगवान कह रहे हैं कि अब नई दुनिया लानी है पुरानी दुनिया भस्म होनी है तो संदेश हो गया डिटेल में समझना है कि कैसे भगवान आया हुआ है क्या उसकी प्लानिंग है जो नई दुनिया की स्थापना करा रहा है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है वो आकर के डिटेल में समझो तो परिचय की पुस्तिका देने से उनको बुद्धि में बैठेगा इंटरेस्टेड होंगे तो पढ़ेंगे और देने का तरीका वैसे यही है कि 50 पैसे लेकर के ही देना चाहिए इंटरेस्टेड होगा तो 50 पैसे दे देगा इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऐसे ही फाड़ के फेंक देगा किताबों को क्या 50 पैसे की किताबें तुम ऐसे ही मार्केट में जाओ ऐसे ही सबको बांट जाओ सब ले लेंगे लड्डू रख के खा जाएंगे जैसे
बाबा किसी को समझा कर जैसे कोई कुछ है तो क्या उसे पैसा लेना चाहिए? कोई कुछ समझाओ और समझाते समय देखो कान हिलाता है कि नहीं। ठीक बात, ठीक बात। कान हिलाता है तो कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कान हिलाता है वो खुद कहेगा, आप अपना एड्रेस दीजिए, आप अपना फोन नंबर दीजिए, हमको कहाँ जाना है, तो किताब दे दो, छोटी सी किताब दे दो, क्या हर्ज है। कोई लाइब्रेरी मांगे, लाइब्रेरी में निर्माण लगाने हैं, लाइब्रेरी वगैरह जो होती है कैसे टीचर लगा दो यहाँ तो लगा दो या नीचे से लगा दो, अच्छी बात है। हवा फिर तो पाठ कब तक चलता रहेगा? तुम्हें सरदर्द हो रहा है क्या? अरे ऑब्जेक्ट आने में जो बातें आती हैं वो तो तुम्हारा एडवांस पार्टी के फेवर में ही आ रही है ना, तो जब तक चलता रहे तब तक अच्छा है। सूर्य जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, चंद्रमा अस्त नहीं होगा, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है जो गुलजार दादी में पाठ बजा रहा है, वो भी अस्त हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष कर नहीं पाया तो बेचारे जो बेसिक वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, एडवांस वाले कहाँ जाएंगे? तो आश्रम तक चलता रहेगा, आश्रम में तो बाबा कब तक चलेगा? आपने सिर्फ यही पूछा कि कब तक चलेगा, तो उसका जवाब दिया कि तब तक चलेगा जब तक चंद्रमा अस्त नहीं होता है और सूर्य उदय नहीं होता है। बाबा लेकिन गुजरात का खराब होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? खराब होते जा रहा है, जल्दी खराब हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है। गुलजार दादी का शरीर खराब हो रहा है, आपका शरीर क्या कंचन काया बन रहा है? शरीर तो सभी की खराब हो रही है, उम्र भी बहुत हो गई ना, उम्र तुम्हारी कम हो रही है। हैं? उनके मुकाबले तो मेरी अभी बहुत कम है। अरे लोगों की उम्र सवा सौ साल है इस दुनिया में, 125 साल भी लोगों की उम्र हो रही है, और बाबा तो कहते हैं तुम 150 साल जिंदा रहोगे, वो भी एवरेज बताया। हो सकता है कोई योग बल के आधार पर 150 साल से ऊपर भी जिंदा रहे। बाबा कहा मुरली में कि सतयुग में तो केवल माता पिता भाई बहन दो ही रिश्ते होंगे, तो फिर यहाँ पे इतने सारे रिश्तों की शूटिंग कैसे हुई? देवान के कारण, आत्मा का तो सिर्फ बाप ही होता है और देह के तो ढेर संबंध हो जाते हैं, देहभान से अनेक प्रकार के संबंध, आत्माभिमान से एक बाप और बाकी सब आत्मा आत्मा भाई भाई, सब संबंध खत्म। और बाबा ये सतयुग का संबंध केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित है या बाहरी दुनिया से तो इसका कोई लेना नहीं? क्या जो सतयुग है इसमें संपूर्ण स्थिति होगी तो ब्राह्मण जब सब है जो उन्हीं की होगी, जब बाहरी दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं होगा? बाहर की दुनिया के ब्राह्मण नहीं बन रहे यहाँ? बन रहे हो तो उनमें तो दोष ही दोष है, उनमें तो वो तो स्थिति अपने जैसी मानते नहीं, संपूर्ण बनना ही नहीं चाहते हो, वो तो चमक में। अरे बाहर की दुनिया के लोग जो हैं वो ब्राह्मण बन रहे, यहाँ ब्राह्मण बहुत ऐसे भी तो हैं जो बाहर की दुनिया के हैं, भक्ति मार्ग में ज्यादा रहते हो, आप भी तो भक्ति मार्ग में थे नहीं थे?
तो आप ज्यादा नहीं रहते थे। ऐसे ही बहुत हैं, ऐसे एडवांस में भी हैं, बेसिक में भी हैं, जो बाहर की दुनिया से ही आए हैं, विदेशों से आए हैं, विधर्मियों से आए हैं और ब्राह्मण बने हैं। यहाँ तो खुला दरबार है, सबको मौका है, सबको अवसर दिया जा रहा है, कोई भी आकर के ब्राह्मण बने। काय को लाल दिखाते करें, बेसिक में आत्मा का लाल रंग दिखाते हैं। जो बेसिक वाले हैं उनकी पढ़ाई विदेशियों से प्रभावित है या स्वदेशी पक्के सूर्यवंशियों से प्रभावित है? तो द्वापर युग में लाल रंग होना होता है रजोगुण, या सफेद और पीला होता है? कौन सा होता है? लाल होता है। तो उन्हें आत्मा लाल ही दिखाई पड़ेगी और लाल ही बनाएंगे। और किसी ने बोला कि चांद प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, जब विनाश होगा तो चांद उसी में मिक्स हो जाएगा। तो बाबा धरती भी तो सूर्य का एक हिस्सा है, ऐसा है? है? ऐसा तो नहीं, कहीं से पढ़ लिया होगा, वो तो मनुष्यों की मत है। ये हद की बात है बाबा की, बेहद की बात है। क्या ये जो भी बोले चंद्रमा प्रसन्न महासागर? अरे जो बेहद में है वो ही हद में है, जो हद में है वो ही बेहद में है। तो क्या विनाश के समय सूर्य और धरती आपस में मिल जाएंगे? स्वभाव संस्कार से मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिल सकते। वो आत्मा, हर एक आत्मा अपना अपना अलग पार्ट बजाएगी, फिर तो वही बात हो जाएगी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। एक ही आत्मा है, वही अनेक रूप धारण कर लेती है, वही सब आत्मा मिलकर के एक भगवान, एक ब्रह्म बनता है। सब आत्माएं अंश हैं, वो भगवान सागर है। तो ऐसे है क्या? सागर तो खारा होता है, तो आत्माएं भी सब खारी ही खारी होनी चाहिए। जैसा अंशी होगा वैसा ही अंश होगा। तो ये अलग अलग स्वभाव संस्कार कहां से दिखाई पड़ रहे हैं? सतयुग में चांद तो होता नहीं, तो मजा नहीं आता। रात भी नहीं होती, रात भी नहीं होती, चांद भी नहीं होता। जरूरत है तुम्हें, थकान होती है क्या? सूर्य भी नहीं होगा क्या? सतयुग में सूर्य भी नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, होगा चांद नहीं होगा तो सूर्य भी क्या करेगा? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? गर्मी बहुत होती है ना बाबा। अच्छा, तो चलते रहेगा। तो उधर ग्रीनलैंड में चले जाओ, वहां गर्मी नहीं होगी।
बदलती गीत ही चांद होगा न तारे होगा। अगर लक्ष्य सेवा का हो तो विनाशी दान कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? लक्ष्य सेवा का हो तो विनाशी धन कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? विनाशी धन, हाँ विनाशी धन अगर 100% ईश्वरीय सेवा में ही लगाया जाएगा तो भी वो ही प्राप्ति होगी जो सरेंडर्ड को प्राप्ति होगी, जो सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए सरेंडर है। लेकिन संकल्प तो दूसरा है, लोग संकल्प लेते हैं ना, हाथ में जल रख करके संकल्प लेते हैं, तो जो संकल्प लेते हैं अगर नहीं किया पूरा तो दोष माना जाता है बहुत बड़ा। तो ऐसे ही बुद्ध रूपी हाथ में संकल्प लेने की बात है कि हम जो भी कमाएंगे कायम लगाएंगे ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, और नहीं लगाया तो फिर उल्टा हो जाएगा। जो गृहस्थी है वो कैसे लगा सकता है? अल्लाह अभी कहते हैं कमाएंगे सो ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, फिर बाद में कमा के ढेर इकट्ठा कर लिया भगवान की मेहर होगी, अच्छा अच्छा तुम खूब कमाओ खूब फूलो फूलो है, करोड़ इकट्ठे हो गए, अरे अब हम गृहस्थी हैं हम कैसे लगा सकते हैं? क्या दिखाई दिया अभी अभी संकल्प क्या सुनाया और अभी अभी क्या सुनाई दिया है? प्रश्न है कि जो बच्चे एडवांस ज्ञान में चलते हुए भी टैक्स की चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, काम धंधे में ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और सदैव लॉटरी खेलते रहते हैं, उनकी अवस्था पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी रिहर्सल हो रही है कि नहीं है? तो जैसी मेंटलिटी यहां बनाएंगे वैसी मेंटलिटी वहां बनती रहेगी। बाबा ने कभी ये कहा कि ज्ञान में चलते हुए चोरी करो है? नहीं कहा। बिजली की चोरी करो, ओ जुआ खेलो स्थूल, वो तो शास्त्रों में बात आई है कि पांडवों ने जुआ खेला और बाबा ने उसको क्लियर कर दिया कि उन्होंने कोई स्थूल जुआ खेला था या बेहद का जुआ खेला था? बेहद का खेला था। तो स्थूल जुआ खेलने के लिए बाबा ने तो नहीं बोला, लॉटरी में पैसा लगाना ये तो मुफ्त का धंधा है और धिंगा मुस्ती का धंधा है, जितनी भी लॉटरियां चलाने वाले धंधे करने वाले होते हैं वो 420 का खेल खेलते हैं। जैसे शकुनी को दिखाया कि सच्चा जुआ नहीं खेलता था, उसमें गड़बड़ी करता था, शेयर मार्केट में भी ऐसे ही चल रहा है। तो अवस्था ऐसों की खराब होगी या अच्छी होगी? आखिरी खराब होगी। जो बातें बाबा ने नहीं बताई है उन बातों पर हम कदम नहीं रखना चाहिए।
और भक्ति मार्ग में कहते हैं कि संदेह को पुष्टि को पानी भी नहीं देना चाहिए और पत्थर भी तोड़ना चाहिए ताकि मत हो संदेह को किसी को पानी नहीं देना चाहिए तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए और क्या करना क्या नहीं करना चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए तुलसी का पत्ता क्या है और तुलसी को पानी देना क्या है पानी किसे कहा जाता है ज्ञान को पानी कहा जाता है दिन चल रहा है सूर्य का कहते ना आज तुम्हारा दिन है तो कल हमारे भी दिन आवेंगे रविवार हाँ नाम है रविवार तो जब सूर्य के दिन चल रहे हैं उन दिनों सूर्य को पानी देना चाहिए न कि जगदम्बा को पानी देना चाहिए और दूसरी बात तुलसी है तुलसी का पत्ता सूर्यवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए माने दिन किसका चल रहा है ज्ञान सूर्य का दिन चल रहा है ज्ञान सूर्य के अच्छे दिन चल रहे हैं तो जब ज्ञान सूर्य के अच्छे दिन चल रहे हैं तो जो तुलसी के बच्चे हैं तुलसी के परिवार के उनको तोड़ना चाहिए है उनको तोड़ेंगे तो वो तुम्हारी जासूसी करेंगे तुम्हें तोड़ लेंगे या जोड़ देंगे तुम्हें और तोड़ लेंगे इसलिए कहा कि चंडिका देवी के मंदिर में जाके सेवा करो तुम उनकी सेवा करेंगे वो तुम्हारी सेवा कर देंगे तो ये पत्ते तोड़ने का और जल चढ़ाने का रहस्य है जो भक्ति मार्ग में भक्ति की तरह मनाते हैं अच्छा ओम शांति